गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे आई एम गोइंग टू टीच यू फिजिकल एजुकेशन ऑफ क्लास वन चैप्टर 26 सेल्फ हेल्प। सेल्फ हेल्प मीन्स स्वयं सहायता, खुद से मदद करना। लेट अस सी। राजीव ए यंग बॉय, राजीव एक युवा लड़का है। राजीव ए यंग बॉय वॉज वन डे वॉकिंग अलोन द रोड। राजीव एक यंग लड़का है जो वॉकिंग करते हुए रोड पे गया। ही सॉ ए बिग बाउल्डर इन द मिडिल ऑफ इट। वह देखा एक बहुत बड़ा बाउल्डर मीन्स रॉक, बिग रॉक रोड के बीच में रखा हुआ है। ए मैन सॉ ऑल्सो सॉ इट एंड सेड ओ गॉड हुज लेफ्ट इट हियर। एक आदमी ने इसे देखा और कहा किसने छोड़ दिया है। व्हाई डजंट समवन रिमूव इट, कोई इसे क्यों नहीं निकालता। इट कैन कॉज एक्सीडेंट, यह दुर्घटना का कारण बन सकता है। सेइंग सो ही सिंपली वॉक्ड अवे, और यह एक आदमी कहते हुए चला गया कि इसे किसने रखा है, यह दुर्घटना का कारण बन सकता है। ही सिंपली वॉक्ड अवे, और वह बोलते हुए चला गया। आफ्टर सम टाइम, कुछ समय बाद, अनदर मैन कैम, कुछ समय बाद दूसरा आदमी आया। ही टू सॉ द बाउल्डर एंड वॉक्ड अवे, वह उसने भी बाउल्डर को देखा और टहलते हुए दूर चला गया। नाउ राजीव थॉट, अब राजीव सोचा, नो वन इज गोइंग टू रिमूव द बाउल्डर, अब राजीव सोचा जो प्रत्येक आदमी आ रहा है और इसे देखते हुए चला जाता है, कोई इसे रिमूव नहीं कर रहा है, कोई इसे हटा नहीं रहा है। लेट मी ट्राई, अब मैं कोशिश करता हूँ। बट ही फाउंड इट टू हैवी टू मूव, लेकिन राजीव सोचा अब मैं कोशिश करता हूँ, लेकिन रॉक जो था बहुत हैवी था, बहुत ही बाउल्डर जो था बहुत भारी था, तो राजीव से नहीं मूव कर रहा था, नहीं हट रहा था, रिमूव हो रहा था। जस्ट देन, तुरंत बाद राजीव अंकल कैम, कुछ समय बाद राजीव के अंकल वहाँ आए। टुगेदर दे पुश द बाउल्डर एसाइड, कुछ समय बाद राजीव के अंकल आते हैं और राजीव के साथ मिलकर, दोनों मिलकर उस बाउल्डर को साइड करते हैं। देन राजीव अंकल सेड, तब राजीव के अंकल बोले, राजीव आई हैव बीन वॉचिंग ऑल द वाइल। राजीव के अंकल कहते हैं, राजीव मैं देख रहा था जो ईच मैन कैम क्रस द बाउल्डर एंड वेंट अवे। राजीव के अंकल बोले, राजीव मैं देख रहा था प्रत्येक आदमी आया और देखते हुए बाउल्डर को देखते हुए दूर चला गया। बट यू दाउ स्मॉल टाइट टू मूव असाइड, हालांकि तुम छोटे हो लेकिन इसे एक तरफ ले जाने की कोशिश की। आई एम प्राउड ऑफ यू बिकॉज यू हैव प्रूव दैट वन मस्ट डू वंस वर्क वन सेल्फ एंड नॉट लीव इट टू अदर्स। राजीव के अंकल बोले, बट यू दाउ स्मॉल, हालांकि तुम छोटे हो, टाइट टू मूव इट असाइड, लेकिन इसे एक तरफ ले जाने की कोशिश की। आई एम प्राउड ऑफ यू, मुझे तुम पर गर्व है, क्योंकि बिकॉज यू हैव प्रूव दैट वन मस्ट डू वंस वर्क वन सेल्फ एंड नॉट लीव इट टू अदर्स। राजीव के अंकल कहते हैं, मुझे तुम पे गर्व है, तुमने यह साबित कर दिया है कि किसी भी काम को स्वयं करना चाहिए और इसे दूसरों पर नहीं छोड़नी चाहिए। वर्क इज ओरशिप, काम ही पूजा है। एनी काइंड ऑफ वर्क मस्ट बी डन बाय योर ओन एफर्ट एंड विथ ऑनेस्टी। राजीव के अंकल कहते हैं, किसी भी काम को करने के लिए अपना पूरा इफॉर्ट यानी कि अपनी पूरी ताकत लगानी चाहिए और ईमानदारी से उसे करनी चाहिए। इन योर हाउस, जब तुम्हारे घर में, इन योर हाउस तुम्हारे घर में यू मे हैव सर्वेंट्स टू डू द वर्क, तुम्हारे घर में बहुत सारे नौकर हैं जो काम करने आते हैं। दे डू योर वर्क फॉर यू, वो तुम्हारे घर में तुम्हारे लिए काम करते हैं। कौन काम करते हैं? सर्वेंट।
यू दे क्लीन योर हाउस एंड क्लॉथेज, वे तुम्हारे घर की घर को साफ करते हैं, क्लॉथेज को साफ करते हैं। सर्व योर फूड एंड वाटर, वो तुम्हारे घर में खाना सर्व करते हैं, खाना परोसते हैं, पानी सर्व करते हैं। डस्ट योर फर्नीचर एक्सेट्रा, और तुम्हारे घर की फर्नीचर की सफाई करते हैं। बट व्हाट हैपेंस, लेकिन व्हाट हैपेंस, क्या होगा, इफ दे डोंट कम फॉर ए डे, जब आपके घर में वो एक दिन काम करने के लिए नहीं आते हैं। योर हाउस लुक अनटाइडी राइट, राजीव के अंकल कहते हैं कि सपोज दैट एक दिन तुम्हारे घर में अगर सर्वेंट नहीं आते हैं तो क्या होगा, तुम्हारा घर जो है वो गंदा रहेगा, तुम्हारे घर में सफाई नहीं होगी, तुम्हारा घर जो है का लुक जो है वो डर्टी दिखेगा, अनटाइडी दिखेगा, साफ नहीं दिखेगा। यू कैन डू योर बिट टू हेल्प मदर टू डू द हाउस वर्क, अगर आपके घर में सर्वेंट नहीं आते हैं, नौकर एक दिन सपोज दैट नहीं आते हैं, तो क्या आप अपनी मदर की मदद नहीं कर सकते हो, अपने घर के काम में अपनी माँ को हेल्प नहीं कर सकते हो। यू कैन क्लीन योर ओन रूम बाय कीपिंग थिंग्स इन प्लेस, तुम अपने रूम की सफाई कर सकते हो और सामान को प्रॉपर प्लेस पे सही जगह पे रख सकते हो। यू कैन हेल्प मदर बाय डस्टिंग द फर्नीचर, तुम अपनी माँ को फर्नीचर साफ करने में भी मदद कर सकते हो। यू कैन हेल्प ग्रैंडमा इन द गार्डन, आप अपनी ग्रैंड माँ मैंने दादी के साथ भी गार्डन में हेल्प कर सकते हो। यू कैन ऑफर ए ग्लास ऑफ वाटर टू योर पेरेंट्स व्हेन दे रिटर्न फॉर ऑफिस, जब आपके पापा ऑफिस से घर आते हैं तो आप एक ग्लास पानी दे सकते हो। यू कैन ऑल्सो हेल्प टू कीप द यूज डिशेज इन द किचन आफ्टर मील्स, जब आप खाना खाते हो तो अपनी थाली को खाने के बाद किचन के बेसिन में रख सकते हो। ये सारी काम आप खुद से कर सकते हो, राजीव के अंकल बताते हैं। ऑल ऑफ अस हैव टू वर्क हार्ड इन लाइफ, जितने सभी आदमी अपने जिंदगी में बहुत कठिन परिश्रम करते हैं, मेहनत करते हैं। योर फादर एंड मदर वर्क हार्ड टू अर्न मनी, तुम्हारे पापा और तुम्हारी मम्मी तुम्हारे लिए बहुत कठिन मेहनत करके पैसा अर्न करते हैं, पैसा कमाते हैं, एंड गिव यू थिंग्स यू नीड, और तुम्हारी सारी जरूरत की सामान पूरी करते हैं। यू वर्क हार्ड टू गेट गुड मार्क्स और प्राइज, आपके पेरेंट्स आपकी रिक्वायरमेंट के लिए खुद से मेहनत करते हैं और आपकी सारी जरूरत की सामान पूरी करते हैं, तो आपकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो आप भी कठिन मेहनत करके अच्छे पढ़ाई करके अच्छा नंबर ला सकते हैं और प्राइज जो है वो ले सकते हैं। द मेड, द स्वीपर, द मिल्कमैन ऑल वर्क टू अर्न मनी एंड बाय फूड एंड क्लॉथेज, आपके घर में नौकरानी, स्वीपर और दूध देने वाला वो सब क्या करते हैं, सब वर्क करते हैं, सब काम करते हैं, किसके लिए, मनी एंड बाय फूड एंड क्लॉथेज, वो पैसा कमाने के लिए करते हैं जिससे वो भोजन और कपड़ा खरीद सकते हैं और अपने फैमिली का मेंटेन कर सकते हैं। सो वी मस्ट रिस्पेक्ट हार्ड एंड ऑनेस्ट वर्क, इसलिए आपको उनका रिस्पेक्ट करना चाहिए, क्योंकि वो भी अपना फैमिली को मेंटेन करने के लिए आपके यहाँ काम करते हैं। रिमेम्बर, ए पर्सन हु ट्रस्ट हिज ओन एफर्ट नेवर फेल्स इन एनीथिंग, याद रखें, रिमेम्बर ए पर्सन हु ट्रस्ट हिज ओन एफर्ट नेवर फेल्स इन एनीथिंग, याद रखें, एक व्यक्ति जो अपने स्वयं के प्रयासों पर भरोसा करता है वह कभी भी किसी चीज में असफल नहीं होता। God also rewards those who help themselves, और God जो है, ईश्वर जो है, वो आपको धन्यवाद देंगे जब आप खुद के किसी को मदद करते हो और उस रिस्पेक्ट करते हो। He does not want his children to depend on anyone, और किसी भी बच्चों को किसी दूसरे पे डिपेंड नहीं होनी चाहिए, खुद से सेल्फ डिपेंडेंट होनी चाहिए, खुद से अपनी काम खुद से करना चाहिए। Anyone so he help people who at least make an effort to work, जितने भी पर्सन होते हैं वो खुद से बहुत कठिन वर्क करते हैं, अपनी काम को ईमानदारी से करते हैं,
इसलिए अपने से दूसरे को हेल्प करनी चाहिए और रिस्पेक्ट करनी चाहिए। ऑलवेज रिमेम्बर दैट हार्ड वर्क इज द ओनली की टू सक्सेस। हमेशा याद रखें, हार्ड वर्क जो होता है, कठिन परिश्रम जो होता है, वो सफलता की पूंजी माना जाता है। हार्ड वर्क इज द ओनली की टू सक्सेस, कि कठिन परिश्रम जो है वो सफलता की कुंजी होती है। ओके, ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड लेसन 26। थैंक यू, हैव ए